जनपद मुरादाबाद के थाना मुंडा पांडे के ग्राम मुकुटपुर उर्फ अहरुल्ला के रहने वाले रविंद्र पाल पुत्र राम रतन ने पुलिस प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगाते हुए कहा है कि योगेंद्र दीपक प्रदीप ने उनके मकान के रास्ते पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। उससे मना करने पर वो बास नहीं आता और जान से मारने की धमकियां देता है। इसी बात को लेकर उन्होंने पुलिस प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगाते हुए पत्रकारों को बताया। हमारी जगह में हो गए दूसरा पक्ष जबरदस्ती रास्ता लेना चाहता और हमने अपनी दीवार अपने रास्ता रोकने के लिए दीवार लगाई और दूसरे पक्ष ने जब बराबर वाले की दीवार बढ़वा के और रास्ता बंद कर किया है और उसका पक्षपात कर रहा है। 25,000 रुपये लिए हैं और 25,000 रुपये लेकर रास्ता बंद कर दिया। कहाँ पर शिकायत की आपने? हमने थाने में भी की, थाने वालों ने हमारा फैसला कर दिया और उन्होंने उस फैसले को न मानते हुए कानून का उल्लंघन करके और DM साहब के यहाँ दरखास्त दी है। DM साहब ने उसका निरीक्षण करने के लिए कहा है। हम बेबस होकर गांव छोड़ना पड़ सकता है। अच्छा, ये अब जो शिकायत करने के जाओगे आप कहाँ पर जाओगे? अब हम DM साहब के यहाँ पेश होंगे। अच्छा, इससे पहले फैसला हो गया था उसमें? आपका फैसला हो गया था, गांव के कुछ लोगों ने हमारा फैसला कराया था, उसमें हमारे पास फैसले में सबके नाम लिखे हुए। जबरदस्ती कर रहे हैं वो लोग? जबरदस्ती कर रहे हैं, हमें धमका रहे हैं, मार देंगे और हम तुम्हें भगा देंगे, आपकी जगह जबरदस्ती लेंगे। अरोला, क्या मामला है आपका? ये रास्ता का मामला है सर, हम बहुत परेशान हैं, गरीब हैं, हमें सब लोग दिक्कत कर रहे हैं। कौन कौन लोग हैं? ये हैं गिरनपाल सिंह, ओगंदर, सत्येंद्र कल्लू और प्रदीप, दीपक, अर्जुन। क्या परेशान कर रहे हैं आप लोग? सर रास्ता गिरवा दी उनने 25,000 रुपये लेके और मेरे में रास्ता लिखवा है। आपके रास्ते उसमें जगह में वो? हाँ जी। आप क्या चाहते हो? हाँ? क्या चाहते हैं? चाहते हैं न्याय चाहिए। कोई फैसला हुआ था इसमें पहले अभी? हाँ फैसला हुआ था। क्या फैसला? दिखाओ।